नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय कुमार। समाजवादी पार्टी ने बुनकरों के फ्लैट रेट को बहाल करने के लिए प्रदेश की सभी तहसीलों पर धरना देकर मांग पत्र दिया। समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में सभी तहसीलों पर एकत्र होकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को सरकार विरोधी नीतियों के विरोध में पत्रक देने का निर्देश दिया था। इस कड़ी में आज मऊ सदर तहसील पर समाजवादियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। पत्रक के मुख्य रूप से बुनकरों के फ्लैट रेट की बहाली की मांग के साथ सपा नेता आजम खां और उनके परिवार के लोगों की फौरन रिहाई की मांग की गई है। पत्रक में महंगाई, बेरोजगारी, किसान उत्पीड़न, कृषि बिल के साथ एनआरसी और सीए के विरोध में हुए आंदोलन के नाम पर बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी और रासुका के तहत निरुद्ध किए गए लोगों पर मुकदमा वापस लेने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन आरंभ करके ये संकेत दिया है कि लॉकडाउन के आड़ में सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर जो लूट खसोट की है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने संसद, विधानसभा से लेकर सड़क तक सरकार की गलत नीतियों के विरोध में बिगुल फूंक दिया है। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए तहलका.in, सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे तथ्यपरक। धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी का अल्ताफ अंसारी, राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ। इस विधानसभा से चुनाव लड़ता हूँ। आज का जो हम लोगों का कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश और देश की सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ था। आज महामहिम के माध्यम से 13 सूत्रीय मांग, कुछ लोकल और कुछ देश प्रदेश की जो मांगे हैं, उस सवाल को लेकर हम लोगों ने मर्यादित तरीके से, अनुशासित तरीके से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और हमको विश्वास है कि सोई हुई सरकार हमारे ज्ञापन के माध्यम से जागेगी और इस देश की और प्रदेश की जनता के हितकारी जो मांगे हैं उसको उचित उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक। तहसीलें हैं, 4 तहसीलों पर भी यह कार्यक्रम था और हम सभी लोग आज मऊ सदर की तहसील के मुख्यालय पर हम लोग इकट्ठा थे और हम लोग जो ज्ञापन बनाए थे वह ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को देना था। उनके प्रतिनिधि के रूप में उप जिलाधिकारी मऊ सदर आए और हम लोग का ज्ञापन लेने का काम किया। आज जो पूरे देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल व्याप्त है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और केंद्र में होते हुए भी किसान का विरोध, बुनकरों का विरोध, नौजवानों का विरोध, व्यापारियों का विरोध, कहीं न कहीं यह सरकार जो है सभी लोगों को कहीं तबाह करने का काम कर रही है। हमारे बुनकर साथी भी तबाह हैं, किसान साथी भी तबाह हैं, नौजवान साथी भी तबाह हैं और तबाह होकर के कहीं न कहीं लोग सड़कों पर भी उतरने का काम कर रहे हैं। जैसा कि कोरोना महामारी की स्थिति को भी आपने देखा, जहां पैदल चल करके लोगों ने जान देने का काम किया और कहीं रेलवे के ट्रैक पर भी मौतें हुई, पैदल चलने में मौतें हुई, भूख से मौतें हुई, लोग मरने का काम किए, तमाम लोग मरे भी। आज पूरा का पूरा हमारा प्रदेश और देश का माहौल खराब पड़ा हुआ है। जो कहीं बाहर जा करके नौकरी करते थे रोजी रोटी के लिए, वो अभी घर आए और घर पर नौकरी और रोजी रोटी न मिलने के कारण भुखमरी का कगार के कगार पर पहुंचते हुए उनकी अपनी जान गंवाने का भी काम कर रहे हैं। जहां सभी लोग तबाही के तरफ हैं, तबाह हैं, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रदेश और केंद्र में नेता बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, इनकी कहीं न कहीं निगाहें इन गरीब लोगों के तरफ, किसानों, मजदूरों की तरफ, बुनकरों की तरफ नहीं जा रही है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया के निर्देशन पर हम सभी लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया और इस निर्देशन के साथ कि अगर आज हम लोगों की बात नहीं मानी जा रही है तो शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आज ज्ञापन देने का काम किए हैं। कल हो सकता है कि हमारे नेता जो MP MLA हैं वो सदन में लड़ने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर कर लड़ने का काम करेगी। सियासत हो या क्राइम, सामाजिक सरोकार हो या राजनीति, घोटाला हो या बयान, हर तरह के खबरों का गुलदस्ता सिर्फ
तहलका न्यूज पर। तहलका न्यूज रखे सारी खबरों को सबसे आगे, सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी।